القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. आठवां सबक. ये सबक भी गुज़िश्ता असबाक को महफूज करने के लिए है. तलबा आपस में सवाल जवाब करके गुज़िश्ता मज़ामीन खूब याद कर लें, फिर उस्ताद साहब सवाल करें. तो ये सबक जो है ये कोई मुस्तकिल सबक नहीं है, बल्कि ये तमरीन है, ये मश्क है. अगर आपने ये आसान मंतिक के पिछले असबाक को अजबर कर लिया होगा तो जो आगे सवालात हम पढ़ने जा रहे हैं वो फौरन आपकी ज़बान से अदा होनी चाहिए. तो हम जो है सवालात को पढ़ते जाते हैं और आप जो है उसके जवाबात को कमेंट करना लिखिए भी, और साथ ही साथ आपको जो है ज़बान पर अजबर होना चाहिए कि जैसे ही मैं सवाल पढ़ो फौरन आपके ज़बान से उसकी तारीफ निकलनी चाहिए. तो सबसे पहला सवाल है कि तसव्वुर व तस्दीक की तारीफ़ माँ मिसाल बयान करो. उसके बाद है मुआरिफ किसको कहते हैं, हुज्जत किसको कहते हैं, मंतिक की तारीफ बयान करो, मंतिक का मौजू क्या है, दलालत की तारीफ बताओ, वज़ा की तारीफ करो, दलालत की कितनी किस्में हैं, दलालत लफ्ज़िया की तारीफ बयान करो, दलालत गैर लफ्ज़िया की तारीफ बयान करो, दलालत लफ्ज़िया की कितनी किस्में हैं, दलालत गैर लफ्ज़िया की कितनी किस्में हैं, दलालत लफ्ज़ी वज़ईया की तारीफ माँ मिसाल बताओ, दलालत लफ्ज़ी तर्ईया की तारीफ माँ मिसाल बताओ, दलालत लफ्ज़ी अक़लिया की तारीफ माँ मिसाल बताओ, दलालत गैर लफ्ज़ी वज़ईया की तारीफ माँ मिसाल बताओ. क्यों दलालत गैर लफ्ज़ी तर्ईया की तारीफ माँ मिसाल बताओ, दलालत गैर लफ्ज़ी अक़लिया की तारीफ माँ मिसाल बताओ, दलालत लफ्ज़ी वज़ईया की कितनी किस्में हैं, दलालत मुताबिकी की तारीफ माँ मिसाल बयान करो, दलालत तज़म्मुनी की तारीफ माँ मिसाल बयान करो, दलालत इल्तिज़ामी की तारीफ माँ मिसाल बयान करो. तो ये जो हमारा आठवां सबक था ये चूँकि तमरीन और सवाल जवाब पर मुश्तमिल था इसलिए इसको हम यही ख़त्म करते हैं, और आप इसको इन सवालात के जवाब दें. और जो तलबा बहुत ज़्यादा यानी मुतासिर हों तो वो जो है इन सवालात के जवाबात को कापी पर लिख कर हमारे नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं.